नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे पम्पकिन सीड्स की चिक्की। आपने बहुत तरीके की चिक्की खाई होगी, पीनट की, सेसमी सीड्स की, लेकिन आज हम एक नए तरीके की यानी कि कद्दू के बीज की चिक्की बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक बाउल पम्पकिन सीड लिए हैं, जिनको मैं 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट कर लूंगी। ड्राई रोस्ट करना है, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा। मैं बोर्ड को और बेलन को ग्रीस कर रही हूँ घी के साथ। इसके बाद मैंने कढ़ाई गरम करने रखी है, जिसमें मैंने डाला है 3/4 बाउल गुड़। इसके अलावा मैंने 1 चम्मच पानी भी ऐड किया है। गुड़ को मैंने काट कर डाला है। एक पानी का बाउल हम भर के रख देंगे, जिसमें हम गुड़ को चेक करेंगे। ये देखिए, जैसे ही गुड़ मेल्ट होता है, हम थोड़ी थोड़ी देर में इसको चेक करते रहेंगे। अभी गुड़ क्रिस्पी नहीं हुआ है, तो हम कंटिन्यूसली चलाते हुए लो फ्लेम पे घुमाते रहेंगे, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ये देखिए, गुड़ अच्छे से क्रिस्प हो गया है, बिल्कुल टूट रहा है। इस स्टेज पे हम सबसे पहले गैस को बंद कर देंगे और हमने जो कद्दू के बीज यानी कि पम्पकिन सीड्स रोस्ट करके रखे थे, वो हम इसमें ऐड करके कंटिन्यूसली चलाएंगे। सब कुछ मिक्स करने के बाद ग्रीस किए हुए बोर्ड पर हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे और जब ये थोड़ी गर्म ही है, हम इसको बेल लेंगे। अच्छे से दोनों तरफ से बेलनी है। उसके बाद जब हल्की सी गर्म है, तभी हम इसमें निशान भी लगा लेंगे, वरना जब ठंडी हो जाती है तो ये निशान हम नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये देखिए कितने आसानी से ये टूट रही है, बहुत सॉफ्ट एंड क्रिस्पी बनी है। अरे वाह, यम्मी।